लोगों के जीवन से खिलवाड़ कर रहे हो। आज ही माल उतरा है। अरे माल क्या उतरा है, तुम पहले मानेंगे आज उतरा है? एक्सपायरी डेट माल तुम लेकर आए, इसका तुम कम पैसे का सामान पास बेच लाए। अरे बिल है, एक्सपायरी डेट सामान बेचो, खाद बता दो, आलू भरे में जिएगा। देखिए, जैसा कि आप अवगत हैं कि शासन के द्वारा निर्देश दिए गए हैं कि दाल की बढ़ती हुई कीमतों के दृष्टिगत जनपदों में जो दाल के अधिकतर स्टॉकिस्ट हैं या होलसेल विक्रेता हैं, उनके यहाँ पे अधिकतम 100 मीट्रिक टन दाल की स्टोरेज के अतिरिक्त कोई और दाल नहीं होनी चाहिए। जिसके क्रम में हमने कल एक और चक मैसर्स पीयूष कुमार, जिनका बलिया मोड़ पर गोदाम है, उनके यहाँ औसत छापेमारी करी। वहाँ दाल का स्टॉक देखा गया, उसमें दाल के अलावा अन्य मात्रा में अन्य खाद्य पदार्थ भी थे, जैसे लगभग 6 टन वहाँ मैदा मिला जिसकी यूज़ बाई डेट एक्सपायर हो चुकी थी। उसके अतिरिक्त लगभग 1.5 टन अरहर की दाल, 1.25 टन चने की दाल ऐसी मिली जिस पे पैकेट बंद थी, ब्रांडेड थी, किंतु उसमें मिस ब्रांडिंग थी, ना तो कोई मैन्युफैक्चरिंग डेट थी ना कोई बैच नंबर था। जिसके क्रम में खाद्य एवं सुरक्षा औषधि प्रशासन के अधिकारियों के द्वारा उसके सैंपल लेके उक्त सभी सामग्री को सील कर दिया गया है। सैंपलों को जाँच हेतु गोरखपुर प्रयोगशाला भेज दिया गया है। गोरखपुर से रिपोर्ट आने के पश्चात अग्रिम विधिक कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। आगे भी सर ऐसी कार्रवाई चलती रहेगी? देखिए, आगामी त्योहारों के दृष्टिगत लगातार खाद्य एवं औषधि प्रशासन के द्वारा मिठाइयों के, खाद्य सामग्री के, तेल इत्यादि के सैंपल लगातार लिए जा रहे हैं, और हमारा भरसक प्रयास है कि जनपद की जनता को सुरक्षित और उच्च गुणवत्ता की खाद्य सामग्री मिले, इसके लिए लगातार हमारे प्रयास जारी रहेंगे। थैंक यू।